दे दे ला दे 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 दो दे 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 बेटा दे दे ना क्यों दे दे ना दे दे देखिए ले ले ये ले ले दूसरी ले ले दूसरी ओ फटगी फटगी नन्ही थाली फटगी ठंडी ठंडी लग रही है ठंडी ठंडी है लाओ फ्रिज में रखेंगे चलो फ्रिज फ्रिज में रखेंगे नंदू तू कहाँ गया फ्रिज में रख दिया पापा ने खोल लो ले लो फ्रिज में से खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया क्या कर रहा है नंदू सुबह सुबह फ्रिज खोल लेगा क्या लेगा फ्रिज में से हाँ क्या लेगा इसमें से नहीं खुलेगा बेटा ये आजा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और अभी निकल चुके हैं तैयार होके ड्यूटी के लिए मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है ठंडा मौसम हो रहा है हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है बारिश तो कल इधर तो नहीं आई उधर की साइड तो बारिश आ रही थी वहां गए हुए थे ना हम रोहतक की साइड लेकिन यहाँ नहीं थी बारिश मौसम तो ठीक है वैसे कल से ही ठीक है अभी चौक को कर लेते हैं क्रॉस और ऐसे मौसम में बादलों के व्यू बड़े अच्छे लगते हैं देखो कितने सुंदर लग रहे हैं बादल देखो। और रोड देखो कितना खाली पड़ा है एक दो व्हीकल है बस पूरे रोड पे नहीं तो इस टाइम तो भीड़ मिलती है पता नहीं क्या सीन है और बिल्कुल मतलब ऐसे साइलेंट सा लग रहा है कलर देखो गाड़ी का कैसा लगा तेरे को कौन सी में अच्छा लगेगा गाड़ी बड़ी थोड़ा बहुत बाकी ये कलर तो अच्छा लगता ही नहीं है गाड़ी का आई थी टाटा टिया को येलो कलर में पर लेकिन वो येलो अच्छा था ये येलो तो जैसे वैसे पेंट करवाया हुआ है इन्होंने ऑरेंज अलग आया था स्टार्टिंग में जब टियागो आई थी अब बाद में एक येलो भी आया था वो येलो बढ़िया येलो था अब शायद डिसकंटिन्यू कर दिया वो येलो भी टियागो में अब तो टियागो में एक ब्लू कलर आया है क्या मस्त लगता है यार वो ब्लू कलर तो वैसे एक चीज बताना यार अगर आप में से किसी को पता हो तो कन्फर्म पता हो तो बताना कि हम गाड़ी का कलर चेंज करवा सकते हैं क्या वैसे मुझे लगता नहीं है कि चेंज करवा सकते हैं क्योंकि आरसी पे ना मेंशन होता है कलर मैंने देखा था तो अगर आरसी पे मेंशन है तो आप कलर चेंज शायद नहीं करवा सकते लेकिन जैसे ये लोग करवा लेते हैं अभी मैंने दिखाई ये गाड़ी इसने भी कलर चेंज करवा रखा था बाद में तो बताना अगर आप में से कोई कन्फर्म हो तो और हल्की हल्की सी बूंदे स्टार्ट हो गई हैं शीशे पे शायद आपको दिख भी रही हो और बहुत हल्की हल्की सी हुई हैं मौसम तो अच्छा हो रहा है बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदे आ रही हैं और वाइपर चलाते देखो ये कैसे अजीब से लिप सी जाती है उन्होंने तो पहली बार देखी होगी जो टपक गई हाँ मैंने बहुत दिन में देखी और मैं तो कल वहाँ उसमें गया था खेत में नोनू देख रही है कल बाय यानू कह भैंस वो भैंस देखी थी ना दीदी के घर भाव कर दिया भैंस नोनी को बग्गी में लेके चलते नोनी गया नहीं कहाँ गई नोना जोटा बग्गी थी वो देखो इधर से देखो वो दिख रही है पीछे से वो देख ऐसे पुछ पुछ करके बुला रही है और इधर की तरफ तो बारिश हुई लग रही है देखो रोड पे भी पानी पड़ा है दोनों साइड गीला भी पड़ा है रोड
और सारे खेत भी गीले हैं, तो लग रहा है कि यहाँ तो शायद रात को या अर्ली मॉर्निंग बारिश हुई है। बाकी रास्ते में नहीं थी बारिश कहीं भी। इधर की तरफ देखो, सारे खेत गीले पड़े हैं। देखो तो अभी पहुंचने वाला हूँ बस सेंटर पे, 4-5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। और अभी क्या है, पूरे वीक मेगा वैक्सीनेशन चल रहा है, तो पूरे हफ्ते वैक्सीनेशन रहेगा ऑलमोस्ट सभी जगह पे, मतलब यहाँ पे तो जहाँ पे हमारी ड्यूटी है ना यहाँ पे। तो कोविड की वजह से ना वर्कलोड काफी बढ़ गया है, पर कोई नहीं, अच्छी चीज है, जितना जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना ही बढ़िया है, सबको फायदा है। वैक्सीनेशन से सिर्फ उसको नहीं जिसको वैक्सीन होता है, बाकी लोगों को भी फायदा होता है। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, जितने ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी बनेंगी, उतने ही लोगों को और बाकी पब्लिक को भी फायदा है। तो अभी पहुंचता हूं ड्यूटी पे, फिर वापस घर जाएंगे, तब आपसे बात करेंगे। A few moments later. तो अभी जा रहे हैं ड्यूटी से घर वापस, और मौसम थोड़ा सा खुला तो है, थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है, कैमरे में तो हो सकता है पता भी ना लग रही हो, और लेकिन बादल तो हैं अभी भी। उधर की साइड देखो। तो अभी टाइम हुआ है शाम के 4 बज गए, मान लो 2 मिनट बाकी हैं, और अभी जा रहा हूँ नीलोखेड़ी। जो दोस्त है नीलोखेड़ी में, उनका गांव हमारे गांव के बिल्कुल पास ही पड़ता है, 4-5 किलोमीटर इधर की साइड ही है, रास्ते में ही आता है, यहाँ से जाएंगे तो जस्ट पहले आता है हमारे गांव से। तो उनके लिए फिर गेहूं लेके आया था गाड़ी में रख के, एक बोरी, तो अभी वो देने जा रहा हूँ। ज्यादा वेट है, थोड़ा सा और सामान भी है, नहीं तो स्कूटी पे तो फिर दुखी हो जाते। और इधर की साइड जो ये है ना, डिवाइडर में जो पेड़ लगे हुए हैं, इनकी कटाई चल रही है, घास हो गया था यहाँ पे काफी बड़ा बड़ा, अभी तो काफी सही हो गया है कटाई करने के बाद। और मौसम देखो अभी का, कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। सुबह को बारिश हो रही थी, ड्यूटी जा रहे थे तब, ड्यूटी से वापस आ रहे थे तब मौसम सही था, गर्मी नहीं थी मतलब। फिर जैसे ही मतलब हम ड्यूटी से घर पहुंचे, पहुंचते पहुंचते थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई थी और धूप भी निकलना शुरू हो गई थी हल्की हल्की, और अभी तो पूरी तेज धूप निकली हुई है। और बस पहुंच ही गए हैं नीलोखेड़ी, तो ये आ गया है कट, देखो आगे जाना हो तो ऊपर से, और नीलोखेड़ी शहर में अंदर जाना हो तो नीचे से। आगे थोड़ा सा रास्ता खराब है, 500-600 मीटर के आसपास जो उनकी कॉलोनी है वहां तक। तो निकल रहा हूं अभी इनकी कॉलोनी से, कॉलोनी तो सही है वैसे, देखो पूरी ग्रीनरी है इधर की साइड है देखो, और वो ये कॉलोनी है, ये है मेन गेट कॉलोनी का, शांति है काफी, ग्रीनरी है इसलिए सही लगता है। और जो ये यहाँ से मेन हाईवे तक का रूट है ना, इसकी बात कर रहा था मैं, इस पे पूरे गड्ढे गड्ढे हैं आगे तक, लेकिन ये सिर्फ आधा ही किलोमीटर है, तो इसलिए फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती, अगर ज्यादा लंबा हो तो फिर भी परेशान हो जाए आदमी। तो अभी यहां से चढ़ जाएंगे हम हाईवे पे, और निकलता हूं अभी घर के लिए, और आज की फिर वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस का आपको पता लगता रहे। तो आज के लिए बाय बाय।